नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील में यूडीआई कार्ड वितरण हेतु कैंप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 300 से अधिक दिव्यांग जनों ने यूडीआई कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिन्हें अधिकारियों के द्वारा यूडीआई कार्ड प्रदान किए गए। विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकास खंड में विकास खंड स्तरीय दिव्यांग जनों की सुविधा के अनुसार विशाल यूडीआई कार्ड बनाने हेतु कैंप लगाया गया था, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांग जनों ने भारी संख्या में भाग लेकर अपने एटीएम कार्ड की तरह यूडीआई कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किए और शाम 4 बजे तक 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। दिव्यांग जनों में मूक बधिर, नाक कान मानसिक रोगी, विकलांग, लकवा के मरीजों ने भाग लिया। इसकी तैयारियों को लेकर जनपद स्तर से पहले ही आदेश ग्राम पंचायतों को दे दिए गए थे, जिससे सरपंच सचिव जेआरएस ने दिव्यांग जनों की जनपद तक पहुंचने में पूरी मदद की एवं सरकार की दिव्यांग जनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इस हेतु विदिशा से आए हुए डॉक्टरों के द्वारा दिव्यांग जनों का उचित मार्गदर्शन एवं यूडीआई कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए आवेदन लिया गया, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि 15 दिन के अंदर इनके एटीएम कार्ड की तरह यूडीआई कार्ड बन जाएंगे। डॉक्टर पीके मिश्रा जी ने बताया कि 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और हर गुरुवार को जिला चिकित्सालय विदिशा में इन दिव्यांग जनों का कार्ड भी बनाया जाता है। आंखों के डॉक्टर रविंद्र चिराड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ बीपी शर्मा, नाक कान के डॉक्टर एके मिश्रा ने आए हुए दिव्यांग जनों को देखा और इस कार्यक्रम में पूरे समय जनपद के सीईओ के ओझा उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ जनपद के समस्त स्टाफ ने दिव्यांग जनों की पूरी सहायता की। ऑनलाइन फॉर्म भरने से गोवर्धन कुशवाहा, रूपेश तोमर, राजकुमार रघुवंशी ने भी दिव्यांग जनों की मदद की। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज।